लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मांग जो रख के आए हैं, लेकिन सरकार ने गिने चुने लोगों का, मतलब ओनली सेलेक्टिव पीपल, इफ द भारतीय किसान संघ इज हियर देन सरकार कुछ बात करेगी, भारतीय मजदूर संघ हियर देन बात करेगा, स्वदेशी जागरण मंच रहेगा कुछ बात करेगा। मतलब ये जो ड्रामाबाजी जो चल रहा है, केवल संघ का जो अंग संस्था और अंग संघ जो है उसी लोगों से बात करेंगे और अन्यथा किसी के साथ बात नहीं करेंगे। दूसरा, मैं ये आई एम चार्जिंग दिस विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो लोगों ने अन्ना हजारे का आंदोलन का समय में जो दिखा, उसी समय में भी जो इस आंदोलन का प्रति जो प्रतिबद्धता को जो सेलेक्टिव वो लोगों ने प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट जो लाया था सरकार के तरफ से, वही ड्राफ्ट वो फडणवीस ने यहाँ तक आके पढ़ने का क्या जरूरत था, यहाँ एक सरकार का कृषि मंत्री आके इसको स्वीकार कर सकते थे, सदन में चर्चा कर सकते थे, नॉट इवन सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आल्सो नॉट विजिटेड दिस किसान महासंघ का किसी प्रतिनिधियों को अभी तक नहीं मिला है। ये प्रवृत्ति हम खंडन करते हैं, इन्हें डेमोक्रेसी में प्रजाप्रभुत्व में एक बात ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कम से कम 10 तारीख तक तो ये लोगों का आंदोलन जो है किसी न किसी रूप में सरकार इस लोगों का आवाज सुनना पड़ेगा, नहीं तो 10 तारीख के बाद जो किसान महासंघ का जो कोर कमिटी है वो जो तय करेगा राष्ट्रपति महोदय को मिलने के लिए, उसके बाद जो है कम से कम ये मेरा प्रार्थना है इस केंद्र सरकार से कम इस लोगों तक आके इस लोगों का बात सुने, अपॉइंटमेंट दे, बातचीत करे, ये मेरा निवेदन।